हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं डिवाइन फेमिनाइन के लिए हीलिंग मैसेजेस। ओके, हेलो डिवाइन फेमिनाइन, वेलकम बैक टू योर होम। यस, क्योंकि ये वीडियो हम देखेंगे कि आप में से जो लोग डिवाइन फेमिनाइन हो वो क्यों इमोशनल इश्यूज को फेस कर रहे हो। सो लाइक व्हाट एवर द इश्यूज यू आर फेसिंग डिवाइन फेमिनाइन, व्हाई यू आर फेसिंग, व्हाट आर द थिंग्स यू डोंट नो, मतलब क्यों आप उस इशू को फेस कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं है उस इशू के बारे में, कहाँ पे आपको अपना अटेंशन पे करनी चाहिए, एंड क्या है आपके रिसोर्स, यानी आपके हाथ में क्या है, एंड लास्टली कुछ हटके क्या कर सकते हो इस इशू से बाहर आने के लिए। ये आप बोल सकते हो कि डिवाइन फेमिनाइन के मतलब क्या है कि दादा सिर्फ लड़कियों के लिए रेडी हैं, लड़कों के लिए नहीं। नो, डिवाइन फेमिनाइन मतलब आप लड़के हो, लड़की हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। जब तक आप रीडिंग पे यकीन करते हो, एनर्जी पे यकीन करते हो, आप इंट्यूटिव पावर के ऊपर यकीन करते हो, यूनिवर्स के ऊपर यकीन करते हो, दैट मीन्स यू आर अ ट्रू डिवाइन नर्चरिंग फेमिनाइन, जिसको पता है प्यार क्या है, जिसको पता है यूनिवर्सल लव क्या है, जिसको पता है अनकंडीशनल प्यार क्या है। सो यू, चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। ये टाइमलेस रीडिंग है और अभी ये रीडिंग को आप माँ काली गाइडेंस की तरह ही लीजिए, क्योंकि ये माँ काली के ही आदेश है। सो यस, आई एम गोना यूज डिफरेंट कार्ड, बट इट्स अ कंप्लीट माँ काली गाइडेंस फॉर द डिवाइन फेमिनाइन। ओके, तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देता हूँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापा हरिणी धर्मार्थमुखदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिग्भं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोकर्गो वामार्द्धकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणार्द्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीकलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततीनतशोभजुभमयनघं गरुडदष्टङ्गलशं पिन्नुतिपदनं सवनं करसङ्गाधकितुत्कच्छस्मुखीं सुकृतायकल्पधारा विश्वेतं नमो गुरुभ्यं वरदं सुस्नेहवासनं बालार्कमण्डलाकारलोचनं त्र्यम्बितं दन्तुरं दक्षिणोऽव्यापिलं मानुकजुजं स्वरूप महादेव हृदय परिशंसितम शिवा भीगुरु रावा भी चतुर्थी कुसमन्य तो महाकालीन चार समय विपरीत रतातुरम सुख प्रसन्न वदनम सेनानम सर्वम एवं संचित काली धर्म का वर्तम कदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम ह्रूम ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगी स्वाहा। जय माँ। सो लेट्स सी क्या है इश्यूज, उसके साथ साथ ये जो हॉर्न्स है इसका मतलब है आपके माइंड भी बहुत ज़्यादा क्या उससे भरा है, लाइक यू आर फेसिंग दोज कैओटिक सिचुएशंस। सो लेट्स सी क्यों आप इशू फेस कर रहे हो अपने लाइफ में। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन ही आपके हीलिंग है। ओके, बिकॉज आप पुराने सर्कल पे फंसे हो, सो आप एक हैप्पी आउटकम चाहते हो। ओके, हैप्पी आउटकम मतलब ये नहीं है सिर्फ आपको चाहिए, शायद आप दूसरों के लिए प्रे कर रहे हो, या फिर शायद आप एक विक्टिम हो क्योंकि लोग आपके लिए खेल रहे हैं। यू नो, कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फैमिली का एक रे ऑफ होप हो, जैसे कि एक यूनिकॉर्न आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो फैमिली है इसके लिए मैं देख सकता हूँ आप शायद ब्रेड एंड बटर कमाते हो, या फिर आप ही हो जो अपने फैमिली के लिए मेहनत करते हो, एंड राइट नाउ आप वो जो कंफर्ट चाहते हो, जो लग्जरी चाहते हो, जो सुकून चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रहा है, परिवार से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खुश नहीं हो पा रहे हो आप अंदर से, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ भूल चूक हो रहे हैं, स्पेशली आउटसाइडर्स शायद आपको कोई पॉइंट आउट किए हैं। मैं देख सकता हूँ कोई रिलेटिव्स, या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके जो ओरिजिनल सेल्फ है इसको लेके पॉइंट आउट किए। सो बेसिकली समवन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट यू, एंड समवन इज नॉट मेकिंग यू फील स्पेशल। ये समवन हो सकता है अपने फैमिली, आपके लव लाइफ। सो बेसिकली क्या है, आप एक दलदल पे फंसे हो जहाँ पे आप किसी को नो भी नहीं बोल रहे हो, बट उन लोगों से नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि
हाल ही में आप कुछ चीज को छोड़ने के लिए डिसाइड किए हो एंड देन यू आर जस्ट वेटिंग फॉर एन ऑपर्चुन मोमेंट ताकि आप नए तरीके से कुछ स्टार्ट करें. सो लॉट ऑफ सर्कल्स आर गोइंग ऑन. हो सकता है आप एक ही सर्कल पे मूव कर रहे हो लाइक घूम ही रहे हो और अंदर से एक होप है कि बाहर से कोई मैसेज आ रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हो आप किसी मैसेज के लिए एंड शायद आप इंतज़ार कर रहे हो कि एक मैसेज आएंगे किसी के थ्रू. कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में भी अगर फंसे हो तो मैं देख सकता हूँ कि 2-3 पर्सन है जो आपको पसंद करते हैं बट आप किसी एक पर्सन को पसंद कर रहे हो. सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है. बट एक चीज़ तो कॉमन है कि आप अपने ब्यूटी को इग्नोर कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो स्काई है वो स्काई आप थोड़ा सा अगर देखोगे तो इट्स समथिंग लाइक कि बारिश के बाद जो कलर आते हैं. सो आई थिंक कुछ हुआ, डार्क क्लाउड्स आपके दिमाग में अभी तक है बट वो क्लाउड्स हट रहा है, वो चीज़ आप नहीं देख रहे हो. अभी तक आप वो सर्कल पे फंसे हो. कहीं ना कहीं सर्कल मतलब है कि आपके चारों ओर सिर्फ ब्लॉकेजेस दिख रहा है और ये इमोशनल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस, जो भी आप कह लो, यू आर नॉट एबल टू फ्री योरसेल्फ या एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट एबल टू फ्री योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स. क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप जो नहीं कहना चाहते वो कह रहे हो, जो नहीं करना चाहते वो वही कर रहे हो एंड दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग इश्यूज रिपीटेटिवली. ये हो रहे किसी किसी के लिए 3-4 साल से, किसी किसी के लिए 3-4 महीने से, 3-4 वीक से. But you are not, to be very honest, you are not free. You want to be a free bird, but you are not free. I think घूम फिर के कोई person के पास जाना चाहते हो because आपको लगता है कि वो safe है and बाकी में वो safe है. I think ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो and you want a justice के सच आए बाहर, लोगों को पता चले कि आप सच बोल रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे but things are not coming at this point of time. Well, क्या आपको पता नहीं है? लेट मी सी आपको क्या पता नहीं है. डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या पता नहीं है, आपको तो सभी पता है. यस, अकाउंटेबिलिटी डिवाइन फेमिनाइन अकाउंटेबिलिटी. ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ आपके पीछे, ये बर्डन नहीं, ये मेरे पीछे में भी है. ओके, सो एक सीट पे बैठे हो आप, चाहे आप एक माँ हो, बच्चे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक बाप हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, बट यू आर होल्डिंग अ पोजीशन. चाहे आप कुछ भी नहीं काम कर रहे हो बट स्टिल यू आर अ मेंबर ऑफ योर ओन सोल फैमिली. नाउ अकाउंटेबिलिटी क्या है? कि आप हर चीज़ को अपने तरीके से मत सोचिए. कहीं ना कहीं आप भी सफ़र कर रहे हो, मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन को पूछिए, सभी लोग सफ़र कर रहे हैं. बट व्हेन यू आर सिटिंग, व्हेन यू आर ऑन एयर और व्हेन यू आर ऑन, दैट मींस यू आर ऑन, यू कैन नॉट गिव एक्सक्यूजेस. सो व्हाट यू आर नॉट एबल टू सी वो है कि आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे. अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जो आपके ऊपर निर्भर है, वो भी नेगेटिव हो जाएंगे. सो बेसिकली यू आर मेकिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ आपके हैवी बर्डन्स. सो लाइक क्या है कि आपके फाइनेंस या फिर आपके पर्सनल लाइफ या फिर आपके सोल स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बर्डन्स हैं. क्या बर्डन्स हैं? कि शायद आपको एक चीज़ फॉलो करनी है बट नहीं कर पा रहे हो, जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं हो रहे, जो लाइफ में जो विशेस है वो फुलफिल नहीं हो रहे. एंड यू डिवाइन फेमिनाइन, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई वो फुलफिल नहीं हो रहे बट मैं अपना काम क्यों बंद करूं. बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, आपके इंट्यूटिव पावर कहाँ पे गया? व्हाई यू आर नॉट जस्ट सेइंग कि दिस इज माय वर्क, आई नो हाउ टू डू इट and I don't want someone's help. So basically accountability मतलब क्या है कि खुद की खुशियों के responsibility लीजिए आप. Why you are depending on other people? Why you are searching happiness from the outside world? Why you are not able to see your own worth?
अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है, आपके खुशियों का जिम्मेदार आप हो, आपके दुख के जिम्मेदार आप हो, आपके गम के जिम्मेदार आप हो, आपके हैप्पी फ्यूचर के जिम्मेदार आप हो। एंड ये अनहैप्पी हैप्पी यू नो कभी खुश कभी गम ये चलता रहता है, सबके लाइफ में चलता रहता है, बट दीज कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। सो इफ यू आर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग, वेल डिवाइन फेमिनिन दिस इज नॉट यू। लाइक यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लुक एट यू, आपके सामने चारों मतलब आपके सामने डायरेक्शंस ओपन हैं, लाइक आप किसी भी ओर जा सकते हो, बट यू आर जस्ट स्टैंडिंग स्टक। कहाँ पे गया आपका ओन इंट्यूटिव पावर, व्हाई यू आर सो सर्चिंग। लाइक हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टैरो देख रहे हो, अब बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों पर आ रहे हो, अब बहुत ज़्यादा लोग जो बोल रहे हो उसको सुन रहे हो, Why can't you just simply be yourself? जब आप पहले ये journey start किए थे अपना feminine journey को, तब आप कितना confident थे, तब कितना flawlessly आप चल रहे थे। हो सकता है relationship पे आ गए, एक toxic person के साथ मुलाकात हो गया, एक complicated situations पे आ गए, okay, एक crossroad पे आ गए, fine, but now you have to be like get back into the track। जहाँ पे आप छोड़ के आए थे खुद को वहाँ पे जाइए। लाइक रास्ता बहुत आसान है, डिवाइन फेमिनिन बी अकाउंटेबल, डोंट जस्ट डिपेंड ऑन अदर पर्सन। वो क्यों कॉल नहीं करे, मैसेज नहीं करे, एंड व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, वेल होना भी नहीं, उसका दरकार नहीं है। सिंस यू आर कैरिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक यू आर डिवाइन फेमिनिन, मतलब क्या है, आप इंट्यूटिव हो, कोई भी पर्सन को चुटकियों में आप हील कर सकते हो, किसी भी सिचुएशंस पे झट से जुगाड़ लगा सकते हो, किसी भी सिचुएशंस को पॉजिटिव बना सकते हो, किसी भी पर्सन को आप पैसिफाई कर सकते हो, किसी भी पर्सन को आप प्लीज कर सकते हो, अपने दर्द को छुपा सकते हो, अपने गम को छुपा सकते हो। यू कैन बी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम, यू कैन बी हार्ड वर्किंग लाइक सुपर हार्ड वर्किंग, एट द सेम टाइम यू कैन बी सुपर क्रिएटिव, एट द सेम टाइम यू कैन बी मल्टी डायमेंशनल, एट द सेम टाइम यू कैन बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यू नो डेडिकेटेड टू योर सोसाइटी। सो कोई आपको जज नहीं कर सकते और आप खुद भी कई कबार कंफ्यूज हो जाते हो। सो आप एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो। यहाँ पे आपके लाइफ किसी ए बी सी डी के लाइफ के जैसा नहीं होगा। आपके लाइफ अलग है, आपके ऑरा अलग है, आपके सोल पर्पस अलग है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। सो बेसिकली आप खुद को दूसरों की तरह मत समझिए, एंड डोंट जस्ट ट्राई टू सी अदर पीपल्स लाइफ, ये आपके हाथ में नहीं है। सो अगर आप दूसरे लोगों के लाइफ को देख रहे हो, होल्ड, जस्ट पॉज। एंड मेरे ख्याल से याद कीजिए जब टैरोट पे आप पहले आए थे, जब कितना कॉन्फिडेंट आप थे। अगर आप खुद के लिए कभी रीड नहीं किए हो, तो दिस इज द हाई टाइम टू रीड फॉर योरसेल्फ। डोंट जस्ट लुक फॉर अ टैरो रीडर, डोंट जस्ट लुक फॉर एनी रीडिंग, यू जस्ट नीड टू हील योर सोल एंड यू नो एग्जैक्टली हाउ टू हील इट। अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, माँ से कुछ पूछते हो, या फिर अगर आपको पता है एक पर्टिकुलर मेथड, वो मेथड गलत नहीं है। कोई भी मेथड, कोई भी बुक्स आप फॉलो करते हो, कोई भी मेथड आप फॉलो करते हो खुद के बारे में जानने के लिए, खुद के गाइडेंस के लिए, उस मेथड को फॉलो कीजिए। दूसरे तीसरे मेथड को फॉलो मत कीजिए, दूसरे के जैसे बनना कोशिश मत कीजिए, बी द रियल यू। एंड लास्टली यहाँ पे आप जो डायरेक्शंस देख रहे हो, इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हो कुछ ड्राई लीव्स, यानी कि गो विद द फ्लो, ट्राई टू गो विद द फ्लो। आप के पीछे एक बर्डन है और उस बर्डन को एज अ ग्रोथ आप लीजिए, क्योंकि ये बर्डन फ्यूचर में जाके आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर ऑड थिंग्स, अबाउट योर बर्डन, स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, रैदर स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर ब्रोकन सेल्फ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर बर्डन, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर वियर्डनेस, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मैडनेस, कि मैं हूँ ऐसी तो क्या कर सकती हूँ या फिर क्या कर सकता हूँ। सो बी वियर्ड, मैं यही बोलूँगा, बी वियर्ड। वो नहीं हो पा रहे हो, आप वियर्ड नहीं हो पा रहे हो, आप एक आइडियल पर्सन में बदल जाने की कोशिश कर रहे हो। डोंट बी आइडियल, आपके लाइफ दूसरों के लाइफ के जैसा सिमिलर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस मैसेज केम अप। ओके, नाउ द थर्ड कार्ड वुड बी Where you need to pay attention. आपको कहाँ पे अपना attention pay करनी चाहिए? Wow,
क्रोन ट्रांजिशंस। ये जो ओल्ड औरत को आप देख रहे हो, हम जब ओल्ड हो जाते हैं ये रिंकल्स आ जाते हैं और हर एज का एक ब्यूटी निखर के आते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बाहर के ब्यूटीज को ज़्यादा देखते हैं। किसी भी कम्युनिटी पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी सोल वैल्यू को काइंड ऑफ नहीं देखते हैं, एंड उसके चक्कर में आके ना वो खुद खुश नहीं रह पाते ना वो दूसरों को खुश रख पाते। आई थिंक वट वेयर यू नीड टू पे अटेंशन टू योर मेच्योरिटी ट्रांजिशंस। हो सकता है कि आपको बाहर में लोग जज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है चेंज का, बट अंदर से देखिए डार्क क्लाउड्स के अंदर एक बूढ़ी माँ आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे द लाइट। सो आप लोनली बन रहे हो, आप बोरिंग बन रहे हो, आप मच्योर हो रहे हो, आप गाइड कर रहे हो खुद को दूसरों को, आप पहले जो मिस्टेक्स करते थे उस मिस्टेक से भाग नहीं रहे हो, या फिर आप नहीं बोल रहे हो नहीं मैंने वो किया वो गलत है, आप उस मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उस मिस्टेक्स को आप अपने लाइफ का एक लेसन बना रहे हो। सो द ट्रांजिशन इज पहले आप जो थे अभी भी आप वो हो, सिर्फ आप उस ओल्ड सेल्फ को एक्सेप्ट करिए। सो ऐसे मत करिए कि नहीं मैं नहीं बोलूँगी या फिर मैं खुद को छुपाऊंगी या फिर मैं जब अच्छा फील करूँगा तभी जाके बोलूँगा या फिर मैं मेरे बारे में क्यों बोलूँ सभी तो सही जा रहे हैं। नो द ट्रांजिशन इज आपको कुछ करना नहीं है, आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ सीखने के लिए। सो द नाउ द ट्रांजिशन इज कि आपके ओल्ड सेल्फ एंड आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच में बात हो रहे हैं। सो आपके ओल्ड सेल्फ क्या कर रहे हैं, आपके ओल्ड सेल्फ आपको डराते है और आपके ओल्ड सेल्फ आपको डराते ही आए हैं। नाउ अभी आपके प्रेजेंट को आपके ओल्ड एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, एट द सेम टाइम वो आपके फ्यूचर को भी गलत साबित करने में लगे हैं। सो पास्ट में कुछ मिस्टेक्स आप किए हो, पास्ट में आप फेल किए हो और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में भी आप फेल करोगे, एट द सेम टाइम पास्ट के मिस्टेक्स को आप प्रेजेंट में सोच रहे हो एंड आप खुद को बुरा बना रहे हो। सो बेसिकली द ट्रांजिशन इज कि आपके अंदर एक चेंजेस आ रहे हैं और उस चेंजेस को शायद आपको शॉकिंग लग रहा है। मान लीजिए कि आप रिंकल्स आपके हाथ आप देख रहे हो कि आप एजेड हो रहे हो, आपका वेट बढ़ रहा है, आपका फिजिकल ब्यूटी जो था वो डल हो रहे हैं या फिर लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे वो चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। तो सारे चीज़ से जो आप ये जो विदड्रॉ कर रहे हो ना खुद को कि पहले अच्छा लगता था अभी अच्छा नहीं लग रहा है, पहले उस चीज़ में मैं बहुत बहुत इंटरेस्टेड था अभी अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आप मैच्योर हो रहे हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हो। सो डिवाइन फेमिनाइन प्लीज़ पे अटेंशन टू द फ्यूचर, पे अटेंशन टू योर मैच्योरिटी, पे अटेंशन टू योर ग्रोथ, पे अटेंशन टू योर फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर सेल्फ कुछ बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कौन सा चीज़ लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के पीछे मत भागिए, लॉन्ग टर्म के पीछे देखिए, छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है आपके साथ। नाउ व्हाट इज द रिसोर्सेज ऑफ योर एनर्जी, आपके एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, आपके एनर्जी रिसोर्सेज इस वक्त क्या है, और आपके एनर्जी रिसोर्सेज है वेमेन सपोर्टिंग वेमेन। इसका मतलब है आपके खुद के वेमेनहुड। नाउ वेमेन सपोर्टिंग वेमेन मतलब ये नहीं है कि आपको एक वे में वेमेन ही सपोर्ट करेंगे, नो इसका मतलब है ये रीडिंग, इसका मतलब है सेम इक्वल टाइप के मेंटालिटी कम्युनिटी। सो बेसिकली आप ऑनलाइन कम्युनिटी देखो, ऑफलाइन कम्युनिटी देखो, दोस्त देखो, बुक्स देखो, कोई भी आपके दोस्त बन सकता है और आपके सबसे बड़ा दोस्त कौन है, आपके माइंड। सो आई थिंक आप के रिसोर्स है आपके पॉजिटिव माइंड। मैंने पहले ही आपको बोला था कि ट्रू डिवाइन फेमिनाइन हो आप और आप मल्टी डायमेंशनल हो, आपको लोग जज नहीं कर सकते, आप फ्रीडम लवर हो और आप जब तक ना खुद को फ्री रखोगे, जब तक ना आप खुद को फ्री करोगे, जब तक ना आप महसूस कर पाओगे नेचर को अपने अंदर, तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं एक मान लीजिए कि मैं एक राजहंस को मेरे घर में एक स्विमिंग पूल पर रख दिया, वो राजहंस एंजॉय तो करेंगे बट शी विल नॉट फील गुड जब उसको मैं तालाब में छोड़
छोड़ के आऊँगा, देन शी विल अंडरस्टैंड द फ्रीडम, देन शी विल लाइक इट, देन शी विल लाइक इट. सो बेसिकली बात क्या है कि आप जो खुशियों को देख रहे हो, फील कर रहे हो, सोच रहे हो, वो खुशियाँ एक अच्छा खुशियाँ है, बट उससे कई ज़्यादा बड़ा खुशी आपको मिल सकता है, कई गुना ज़्यादा खुशी आपको मिल सकता है. सो यहाँ पे बात आते हैं कि आपको अपने ब्रोकन सेल्फ को इकट्ठा करके एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस खुद को करनी है. ओके, कि मैं डरूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं देखना चाहता हूँ, मैं एंड तक देखना चाहता हूँ क्या हो सकता है लाइफ में. एंड दैट स्पिरिट विल लीड यू टूवर्ड्स सक्सेस. याद रखिए, फेल आप उस दिन होते हो जिस दिन आप गिव अप कर देते हो. जब आपका रिजल्ट्स फेल आ रहा है, वो एक सिर्फ रिजल्ट्स है, उसको उससे आपको फिर से तैयारी करना पड़ता है. यहाँ पे वेमेन सपोर्टिंग वेमेन मतलब क्या है, ये फुल यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे. यू विल गेट सपोर्ट, यू विल गेट हेल्प, बट आपको अपने माइंड को कंटिन्यूसली मोटिवेट करके जाना है. एंड आपको एक ही चीज़ याद दिलाना है कि माँ इज विथ यू, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे, माँ काली आपके साथ है, माँ काली आपके साथ हर वक्त कनेक्टेड है. तो खुद को विश्वास करिए, जो पर्सन आपके साथ है उसको विश्वास कीजिए, जो ही चीज़ हो रही है उस चीज़ को विश्वास कीजिए. आपको कुछ भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, कुछ भी चीज़ को कट ऑफ करना नहीं है. ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स सिंपल एज वाटर. ट्रस्ट द प्रोसेस. जब जब जो जो चीज़ यूनिवर्स आपको बोलेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगा. बी ओपन टू द यूनिवर्स. आप ओपन रहिए, सारी इंफॉर्मेशंस को अब्जॉर्व कीजिए. आपको एक जज होके जज नहीं करनी है, आपको खुद जज नहीं बननी है. आपको एक लिसनर बननी है, आपको डाउन टू अर्थ बन के एक अच्छे लिसनर्स बनने. यूनिवर्स आपके सामने आके साइंस दिखा देंगे, माँ काली आपके सामने आके साइन दिखा देंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, सो मैं देख सकता हूँ कि एक लाइक माइंडेड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं. एंड एक लाइक माइंडेड पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो रहे थे तो रीयूनियन का एक चांस है. एंड ये रीयूनियन आपका सोर्स बढ़ा देंगे. सो कहीं ना कहीं रिसोर्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल. यू विल गेट सपोर्ट. मेरे ख्याल से कोई इंटरव्यू का फाइनल कॉल आ सकता है, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशंस पे आप फर्स्ट आओगे, जहाँ पे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे. फैमिली पैटर्न को आप ब्रेक करके एक नए दिशा पे जा रहे हो सकता है. कोई फैमिली बिजनेस आप कर रहे थे, लोन नहीं मिल रहा था, बट वट एवर द रिसोर्सेज यू नीड, यू विल गेट इट. दैट इज इट. आपको जो भी रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स आपको मिल जाएगा. The dark clouds are fading away and you are getting the sunshine. So celebrate आप कर पाओगे, आपके पास enough resource रहेगा. Don't just give up. Now. आपको हट के क्या करना है? What do you need to do now uniquely? आपको uniquely क्या करनी है इस पर? Yes, assistance with access. आप ये key को देख सकते हो, assistance with access, यानी कि communication is the key to your success, confidence is the key to your success, commitment is the key to your success. So, दूसरों के बातों पे मत आओ. आपको पता है कि क्या करना चाहिए, आंखें बंद करके अपना काम करते जाओ. Prioritize कीजिए खुद के needs को, खुद के wants को. एट द सेम टाइम जो चीज़ हो रहा है वो माँ के आदेश से ही हो रहे. अगर प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी माँ के इशारा से, अगर प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व भी कर रहे हो वो भी माँ मदद कर रहे हैं. सो बेसिकली राइट नाउ आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि मान लीजिए कि अगर आप एक की हो तो उसका हमेशा एक डेड लॉक रहता है. सो अगर आप एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसका कोई समाधान नहीं है, इसका कोई रेमेडी नहीं है, तो ये आपको
ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहे हैं, माँ आपको इंडिकेट कर रहे हैं, इसका रेमेडी आप हो। अगर आप चेंज हो सकते हो सो आप दुनिया बदल सकते हो। सो द की इज राइट नाउ टू फाइंड योर ओन पीस। आप क्या चाहते हो वो चीज़ लिखो, एंड जब आप वो चीज़ लिखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, एंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट सिर्फ नहीं करनी है, उस चीज़ को फील करोगे, एंड इस मैसेज को बार बार याद करोगे कि यूनिवर्स से मेरे को मदद मांगनी ही है। और जब आप मदद मांग रहे हो फॉर सम शॉर्ट ऑफ जेन्युइन थिंग, तब वो मदद आते ही है। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे वॉन्ट्स को देखते हैं कि नहीं मेरे को वो पर्सन चाहिए। अरे वो पर्सन क्यों नहीं आ रहे, वो पर्सन इसीलिए नहीं आ रहे कि वो आपको रेस्पेक्ट नहीं किए है, वो पर्सन इसीलिए नहीं आ रहे कि वो पर्सन आपका वैल्यू को समझे नहीं है, वो पर्सन आपको टॉर्चर किया है, वो पर्सन आपको आपके लाइफ को एकदम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दिया है। तो क्या यूनिवर्स उस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजेंगे? नहीं। नाउ सेकेंडली, आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट गेटिंग हैप्पीनेस, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। वेल, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उस चीज़ पर टिके रहनी है, और कंटिन्यूसली, जैसे कि जॉब सर्च कर रहे हो तो कंटिन्यूस जॉब सर्च, हीलिंग जर्नी में हो तो कंटिन्यूस हीलिंग, कोई भी जगह पर अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, कमिटेड रहोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आप उसका की ढूंढ पाओगे। हर प्रॉब्लम्स के लिए हर की अवेलेबल है, और आपके प्रॉब्लम्स के लिए भी आपके की अवेलेबल है। थोड़ा सा यूनिक बन जाइए, आपको अपना की दिख जाएगा। थोड़ा सा खुद को अंदर से बुलाइए, बाहर की तरफ से नहीं बुलाइए, अंदर से बुलाइए। सो सिट एंड थिंक एंड राइट। आपको कुछ करना नहीं है, ना ही आपको कुछ मुद्रा दिखाना है, ना ही आपको कुछ हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुननी है, ना ही आपको कुछ चैंटिंग करनी है। जस्ट Call yourself, sit and watch whatever the things you have. Sit and watch. Don't watch mobile. Don't just watch anything. Ki music sunte sunte main baithu. No. Just sit and ask yourself. Ki kya chal raha? Kya chahte ho? What your inner self is telling you. Just write it down or listen it. और मेडिटेट करते करते खुद के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आई थिंक आपको अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशंस मिल जाएगा डिवाइन फेमिनाइन। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आए। आई होप ये वीडियो बहुत कुछ चीज़ें क्लियर किए। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिखिएगा हैप्पी डिवाइन फेमिनाइन, एंड आप अपना डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट एनिगमा, एंड मैं अगर पॉसिबल है तो मिलता हूँ, नहीं तो मैं कल अर्ली मॉर्निंग पे वीडियो अपलोड करूँगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, ओरिजिनल रहिए। दैट्स इट। जय माँ काली, जय माँ माता दी।